आगे देखिए, मैं एक ऐसी देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन 10 रुपए था। ठीक है, आत्मज हूँ यानी कि बेटा हूँ, देहाती का एकमात्र इकलौता बेटा हूँ, जिसका क्या था, मासिक वेतन कितना था, 10 रुपए था। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। ठीक है, पहले गांव के मदरसे में ही थोड़ी उर्दू उन्होंने सीखी और संस्कृत भी उन्होंने पढ़ी। उसके बाद जब वे 13 वर्ष के हो गए तो कितनी दूर, 26 मील दूर ये रायबरेली में जाकर अंग्रेजी भी पढ़ने लगे। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था, 2 आने महीने फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाएं पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। विषय होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था, विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। एक वर्ष किसी तरह वहाँ काटा, फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे न बढ़ सका। मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। देखिए, ये अंग्रेजी सीखने गए थे क्योंकि संस्कृत भाषा क्या थी उस समय, इन्होंने शुरुआत में तो सीखी, मदरसे में सीखी, या अपने गांव के स्कूलों में इन्होंने सीखी होगी, लेकिन वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी, है ना, उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो विवश होकर अंग्रेजी सीखने के लिए गए गए थे और साथ में विवश होकर इन्हें फारसी भी सीख ली। एक वर्ष किसी तरह वहाँ काटा इन्होंने, फिर और भी स्कूलों में गए, लेकिन देखिए आगे, कौटुंबिक दुरावस्था यानी कि जो पारिवारिक जो इनकी स्थिति जो खराब थी उसके कारण ये आगे नहीं पढ़ सके और स्कूल की शिक्षा समाप्त इनकी हो गई। एक साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बंबई पहुंचा और तार का काम सीखकर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। अब चूंकि इनकी जो आर्थिक अवस्था थी वो घर की वो खराब थी, तो इन्होंने जल्दी ही इन्हें नौकरी करनी पड़ी और शुरुआत में 50 रुपये महीने पर ये तार बाबू बना यानी कि डाक खाने में इन्होंने काम किया। बचपन ही से मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी, लेकिन देखिए जिसका स्वभाव जिस चीज के लिए होता है वो आदमी उसी तरफ अग्रसित होता है। इनकी पढ़ने में ही रुचि थी तो शुरू से इनकी सुशिक्षित अच्छे पढ़े लिखे लोगों की तरफ ही इनकी उन्हीं के साथ इनकी संगति थी, उन्हीं के साथ ही रहना पसंद करते थे। देवयोग से हरदा और होशंगाबाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही, ऐसे लोग इन्हें मिले। फल यह हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए। यथा बताते हैं ये कि जैसे कि वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, अपने काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। यानी कि ये टाइम के पंचुअल थे, है ना, अपना काम वक्त के पाबंद थे, जिस समय जो जहाँ जाना होता, जो काम करना होता उस समय करते, रिश्वत नहीं लेते थे और अपने काम को ईमानदारी से करते थे। ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। अब देखिए ये जो इनका सिद्धांत है ये सभी के लिए और सारे ही, और तो सारे सिद्धांत सभी के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, लेकिन ज्ञान वृद्धि के लिए सदा हमें क्या करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अब यहाँ हमारी शिक्षा पूरी हो गई या अब हमने इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली है तो अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है या ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे, पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था,
ठीक है, ये तो तीनों काम हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं, जो किसी भी नौकरी में ऐसा कर सकते हैं। तो ये तीनों करना लेखक के लिए बड़ा ही सहज था, ऐसा आचरण करना। पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था, है ना। चौथे के अनुकूल जो सचेष्ट यानी कि अच्छी तरीके से सोच विचार कर ऐसा रहना कठिन था, तथापि सतत अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई। लेकिन ये इनका, क्योंकि ये भी इनका सिद्धांत था, तो ये उसके लिए भी सतत अभ्यास करते रहे। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। देखिए आदमी को, अब यहाँ देखिए इन्होंने सारे काम इन्होंने सीखे। रेलवे में भी इन्होंने स्टेशन मास्टर का भी काम सीखा। तो देखिए सारे काम इन्होंने सीखे। यहाँ इनसे यही पता चलता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, केवल आदमी को निरंतर आगे विकास की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अपने नए नए कार्यों को अपने सीखना चाहिए। फल अच्छा ही हुआ, अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह कि एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। ठीक है, इन्होंने एक बार बस नौकरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए क्या किया, दरख्वास्त दी, यानी कि आवेदन दिया इन्होंने। बाकी हर बार इनको तरक्की मिलती गई इनके कार्य से। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौण कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी। देखिए अब यहाँ पर भी, क्योंकि वो ज्ञान में रुचि रखते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे, तो ये इनके प्रमोशन का मतलब, वो ऑफिसर जब इनको अपने साथ ले आए, तो ये उसी के कारण ऐसा हुआ। और इसके अलावा भी जो कारण था वो इन गुण ग्राहकता थी, यानी कि गुण को जो समझने वाला होता है तो वो उसके गुणों को, व्यक्ति के गुणों को पहचान कर उसको सही स्थान पर पहुंचाता है। तो जो वो जो साहब थे जिनके बारे में ये बता रहे हैं, तो उन्होंने एक तो उनकी कृपा थी इनके ऊपर, और क्या थी, गुण ग्राहकता, यानी कि इनके गुणों को वो पहचानने लगे थे कि ये आदमी काफी गुणी व्यक्ति है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। ठीक है, अब 10-12 वर्ष बाद इनका जो इनकी आय है, जो इनका पेमेंट है, वो काफी अधिक बढ़ गया था, योग्यता से कई गुनी हो गई, यानी कि जितने के लिए योग्य थे उससे कहीं अधिक इनका वेतन हो गया था। आगे देखिए, मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूंगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। ठीक है, कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूंगा तो उससे मेरी सहनशील चिंता वो होती है, दिखाई देती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा, इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हम अत्याचार सह रहे तो हम दूसरों पर भी अत्याचार करें, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ समयोत्तर बानक ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। कुछ कह सकते हैं समयोत्तर बानक, यानी कि कह सकते सरकमस्टांसेस, कुछ ऐसी वो बनी परिस्थितियाँ
इन्हें अनजाने में ये दूसरों पर अत्याचार करने के लिए बाध्य हो गए, ऐसा मतलब ऐसी परिस्थितियां बनी। हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज मेरी मेज पर मुझे रखे मिले। मैंने कहा मैं 8 बजे आऊंगा, पर औरों को आने के लिए लाचार औरों को आने के लिए लाचार न करूंगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गईं, पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए? यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विषण होकर कहा, क्या थूककर भी उसे कोई चाटता है? मैं बोला, विषण होकर, यानी कि मेरी पत्नी ने उदास होकर कहा, क्योंकि पत्नी यह भी नहीं चाहती थी कि इनका आत्मसम्मान गिरे, इसीलिए वो विषण यानी कि उदास होना। पत्नी ने यही कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता? यदि है तुमने अपने आत्मसम्मान के लिए या अपनी बात तुमने जब तुम अड़ी गए हो अपनी बात पर, तो दोबारा उससे क्यों विमुख हो रहे हो, या उससे नहीं तुम्हें पलटना चाहिए, इससे तुम्हारा आत्मसम्मान गिरेगा। मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया, और मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपये उजरत और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। देखिए, फिर इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया और उसी से अपना खर्च चलाने लगे। नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, 23 रुपये तो उसके ड्योढ़े से भी अधिक हैं। इतनी आमदनी मुझे देहाती के लिए कम नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो संतोषी व्यक्तित्व है वो भी झलकता है।